हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मिक्सिंग बोल का, जिसे मैंने ऑनलाइन लिया है अमेज़ॉन से। तो चलते हैं, सबसे पहले इसे हम बॉक्स से निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों, ये है फिमोरा का बोरोसिलिकेट माइक्रोवेबल मिक्सिंग बोल 2650 ml का, और इसका प्राइस मैंने इमेज में दिया है 576 रुपीज़ एग्जैक्टली। ये इसका प्राइस है। BPA फ्री मिलता है, 100% बोरोसिलिकेट मिलता है, साथ ही 1 ईयर की वारंटी के साथ हमें मिलता है। और इसके अलावा हमें माइक्रोवेव ओवन डिश वॉशर और फ्रीजर प्रूफ के साथ हमें मिलता है। और हेल्थीस्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, मैक्सिमम 300 सेल्सियस और मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस इसमें लिखा गया है। और इस बॉक्स में लिखा है 640 रुपीज़, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि उसका जो एग्जैक्ट प्राइस है 576 रुपीज़ है, और बॉक्स में जो लिखा है उतने का नहीं मिला है मुझे। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इस मिक्सिंग बोल को। ऑनलाइन में अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 576 रुपीज़ में मिल जाएगा, और कभी कभार अमेज़ॉन में प्राइजेस कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें आपको और भी साइज़ के मिल जाएंगे, इससे कम साइज़ के, इससे छोटा भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। यहाँ पर मैंने 576 रुपीज़ का लिया है, और इससे अगर कम प्राइस में आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फाइनली बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और थिक है, भारी है, हैवी है। सर्च किया था अमेजोन में तो मैंने ये भी देखा था साथ में कि इसकी लेंथ और ब्रेथ, जैसे आप देख सकते हैं 23 सेंटीमीटर है और 12, और ये भी मैंने इमेज देखा था। तो वो इस देख कर ही मैंने इसे लिया है, और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे पास जो टेप है वो टेप से हम चेक करते हैं अब कि क्या ये सच में वही इसकी लेंथ और ब्रेथ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप दिखा रही हूँ मैं आपको कि हाथों से आपको मैं टच करके दिखा रही हूँ कि ये कितना बड़ा है, और गहराई में भी है ये, और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा दिखता है। अब यहाँ पे मैंने टेप लिया है, और जो हमें मिला था इमेज में कि 24 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो हाँ सच में है ये, देखिए 24 हमें मिलती है। अब इसकी लंबाई भी देख लेते हैं, लंबाई भी हमें उतनी ही मिलती है, 11 सेंटीमीटर इमेज में जितना दिया गया था तो उतनी हमें मिलती है अगर हम चेक करते हैं तो। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें पानी भी डालकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है जो जिसमें 200 ml वाटर आता है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 8 से 9 ग्लास पानी इसमें डाला है। तो ये आपको मैं दिखाना चाहती थी कि आपको समझाने के लिए कि कितना पानी इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 ग्लास पानी डाल दिया है, तो अभी भी जगह इसमें खाली है, 10 ग्लास पानी इसमें आ सकता है। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा है और बिग है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक छोटा बोल लिया है, और इस बोल से मैं इसमें आपको आटा, गेहूं का आटा डाल के दिखाऊंगी। तो 5-6 बोल आपके इसके अंदर, तो 5-6 बोल आप इसके अंदर आटा डालकर इसका डो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 बोल डाल दिया है, और ये देखिए अभी भी जगह काफ़ी है इसमें, और इतना आटा आराम से इसमें गूंथ सकते हैं आप। इससे ज़्यादा अगर आप डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गिर सकता है आटा, और गूंदने में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैंने आलू लिया है, और वो भी मैं आपको इसमें डाल के दिखा रही हूँ। तो 1 से 2 किलो आलू इसमें आराम से इजीली आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और देखिए ये अब आपको दिख रहा होगा, अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी जगह अभी भी इसमें है इतने आलू डालने के बाद।
दोस्तों, अगर हम मिक्सिंग बोल लेने जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसा होगा और इतने प्राइस में कितना बड़ा हमें मिलेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दो तीन तरीके से इसमें कुछ चीज़ें डालकर दिखाई है। तो दोस्तों, अगर आप ये वाला लेने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो गए होंगे कि कैसा आपको ये मिलता है मिक्सिंग बोल और कितना साइज़ का हमें ये मिलता है। और दोस्तों, इस मिक्सिंग बोल में आप डो तैयार कर सकते हैं, कोई बैटर आप बनाना चाहते हैं या फिर आप कुछ वेजिटेबल्स रखना चाहते हैं, तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है काफ़ी सारी मात्रा में। इसमें मेंशन दिया गया है कि आप माइक्रोवेव अवन में भी रख सकते हैं या फिर आपके पास ओटीजी अवन है उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। और मैंने खासकर अपने चैनल के लिए लिया है रेसिपीज़ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।